आपने सीयूईटी पीजी की प्रिपरेशन कब स्टार्ट करी और कितना टाइम हो गया आपको सीयूईटी पीजी के लिए प्रिपेयर करते हुए? एक्चुअली मैंने सीओटी फिजिक्स की तैयारी नहीं की थी, बट मैंने जेएम की तैयारी की थी, तो वहां से मेरे 80% सबक सबक कवर गया। पीवाई क्यों का आपकी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल रहा फॉर द क्रैकिंग दीज एग्जामिनेशंस? हिंट लेके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्यूशन देके कर लेते हैं, लेकिन जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होता तो फिर क्वेश्चन करने में मजा नहीं आता। तो क्वेश्चन कंसेप्ट क्लियर था तो क्वेश्चन अच्छे से बन लेते सर। आपके चेहरे की स्माइल बता रही है कि आप कितने खुश हैं हमारी पूरी मैथमेटिकल साइंसेज की टीम से मिलकर और आईआईटी जैम को भी क्वालिफाई करके और सीयूईटी पीजी को भी क्वालिफाई करके आपका चेहरे की रौनक बता रही है। हेलो, वेलकम टू पीडब्ल्यूआईटी जैम एंड सीएसआईआर नेट। आप सभी का स्वागत है पीडब्ल्यू के अमेजिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, पीडब्ल्यूआईटी जैम एंड सीएसआईआर नेट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत किया जाता है। जैसा आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, सीएसआईआर नेट एग्जाम के रिजल्ट में हमारे स्टूडेंट ने धूम मचा दी, आईआईटी जैम एग्जाम के रिजल्ट में हमारे स्टूडेंट ने धूम मचा दी। ऐसी हमारा सीयूईटी पीजी 2024 का रिजल्ट आया जिसमें हमारे स्टूडेंट ने, हमारे शाइनिंग स्टार्स ने भी यहाँ पर भी तहलका मचा दिया है। और उसी शाइनिंग स्टार्स में से हमारे साथ एक शाइनिंग स्टार्स यहाँ पर अवेलेबल है जिनका नेम है हमारे पास यहाँ पर आदित्य गुप्ता जी। अब हम कुछ क्वेश्चंस आदित्य गुप्ता जी से पूछेंगे कि उन्होंने अपना सीयूईटी पीजी एमएससी मैथमेटिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन को किस तरीके से उन्होंने प्रिपेयर किया है, उनके कितने मार्क्स आए हैं। मुझे भी पता है मार्क्स, लेकिन हम लोग आदित्य गुप्ता जी से ही पूछेंगे कि उनके मार्क्स कितने हैं और उन्होंने किस अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन करी है और उनकी बीएससी कहाँ से हुई थी और उन्होंने क्या आईआईटी जैम एग्जामिनेशन उन्होंने दिया था और अगर दिया था तो कितने मार्क्स आए थे और क्या आईआईटी जैम की प्रिपरेशन सीयूईटी पीजी के लिए थोड़ी सी यूजफुल रहने वाली है। ये सारी बातचीत अब हम यहाँ पर आदित्य गुप्ता जी से पूछेंगे। तो चलिए मिलते हैं हमारे यहाँ पर शाइनिंग स्टार आदित्य गुप्ता जी से। वेलकम आदित्य, पीडब्ल्यू आईटी जैम चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर गुड इवनिंग सर, गुड बहुत इवनिंग। अच्छा गुड लग रहा है इवनिंग। बहुत अच्छा, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर पीडब्ल्यू के इस लाइव चैनल पर यहाँ पर आकर मुझसे सर। बहुत मिलकर, अच्छा, हमारी पूरी मैथमेटिकल साइंसेस पूरी टीम से मिलकर, क्योंकि मैं मैथमेटिकल साइंसेस की पूरी टीम को, मैथ्स की पूरी टीम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ये समझे हमारे साथ यहाँ पर पूरी टीम अवेलेबल है। बढ़िया लग रहा है, खुश तो होंगे आज आप सर बहुत? बहुत, यस सर खुश तो हूँ, आपसे मिल लिया और खुशी हो गई। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आदित्य, आपकी बीएससी कहाँ से हुई थी, मैं आपके बारे में थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर लेना चाहता हूँ, अपने स्टूडेंट्स को भी बताना चाहता हूँ। हेलो एवरीवन, माय नेम इज आदित्य गुप्ता एंड आई एम परसुइंग बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स फ्रॉम जसबंधु कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड आई एम इन सिक्स सेमेस्टर। अच्छा, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से, वो भी देशबंधु कॉलेज से अपनी बीएससी कर रहे हैं? यस सर, मैं अपनी बीएससी ओके, जसबंधु कॉलेज से कर रहा हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पहले ही शॉट में आपने दिल खुश कर दिया। काफी बच्चों का ड्रीम होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस को पाना और आपने आई थिंक दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएससी के एंट्रेंस एग्जाम को भी क्रैक करा होगा तभी आप यहां तक पहुंचे हैं। आई एम राइट? मेरे टाइम पे सर परसेंटेज बेस था, सर मेरे टाइम पे एग्जाम नहीं था, अच्छा, आपके टाइम पे एग्जाम नहीं था, परसेंटेज बेस्ड था। ओके परसेंटेज ओके, बेस डन डन डन। अब आजकल तो आई थिंक एग्जाम हो गया है, सीयूईटी यूजी था। के यस सर, नाम से हमारे नाम जाना से रखते जाता है हैं। वो एग्जाम, काफी यस बच्चे सर, देते हैं, है ना? अच्छा यस अच्छा सर, लास्ट अच्छा टू ईयर से सीयूईटी। जिसका आपने हायर वर्जन क्रैक करा है उसी के लोअर वर्जन मतलब अंडर ग्रेजुएट कोर्स को लेकर भी सीयूईटी पीजी वालों ने, सीयूईटी वालों ने एंट्रेंस एग्जाम लेने स्टार्ट कर दिया है ना। यस सर, लास्ट टू ईयर से। जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ अब कि आपने सीयूईटी पीजी की प्रिपरेशन कब स्टार्ट करी और कितना टाइम हो गया आपको सीयूईटी पीजी के लिए प्रिपेयर करते हुए? एक्चुअली मैंने सीओटी फिजिक्स की तैयारी नहीं की थी, बट मैंने जेएम की तैयारी की थी, तो वहां से मेरे 80% सबक सबक कवर गया था। यस सर, पीडब्ल्यू से ही आई टी जेएम की तैयारी की थी, साकार बैच 1.2। अब इसी से मैं यहाँ पर आगे बढ़ता हूँ, क्या आईआईटी जैम की प्रिपरेशन से आपको सीयूईटी पीजी का क्या थोड़ा सा हेल्प मिली कि हाँ मैंने आईआईटी जैम की प्रिपरेशन करी तो मुझे सीयूईटी पीजी में उसका बहुत यूजफुल हुआ? बहुत से बच्चों की कंफ्यूजन होती है कि आईआईटी जैम करें या सीयूईटी पीजी करें, तो आप उनको क्या गाइडेंस देना चाहेंगे यहाँ पर? मुझे थोड़ी नहीं, थोड़ी हेल्प मिली थी आईटी जैम की तैयारी करने से, एक्सेप्ट जो एक्स्ट्रा टॉपिक थे जैसे कॉम्प्लेक्स रिंग थ्योरी एंड नेचुरल कैलकुलस, इन छोड़ के बाकी टॉपिक जो मैंने आईटी जैम के लिए की थी उसमें पूरी हेल्प मिली और मुझे एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। इसके अलावा सर, पूरी जो जैम की तैयारी की थी वहीं से सीओटी पीजी हो गए, मुझे एक्स्ट्रा टॉपिक थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ा था, पढ़ना था, वहाँ उसकी भी क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने यूट्यूब से, पीडब्ल्यू के यूट्यूब चैनल से ही की थी सर। अच्छा,
और आपके सीयूईटी पीजी 2024 में, 2024 का जो हमारा ये रिजल्ट अनाउंस हो, उसमें आपके मैथमेटिक्स में कितने मार्क्स बन रहे हैं? मेरे इसमें 228 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 300। तो काफी अच्छा स्कोर है आपको, काफी बढ़िया यूनिवर्सिटीज आपको मिल सकती हैं, बस अब आप लोग काउंसलिंग का वेट करिएगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितने टॉपिक आईआईटी जैम और सीयूईटी पीजी में कॉमन रहते हैं, ताकि आप अपने स्टूडेंट्स को बता पाए कि सर ये टॉपिक्स हमारे कॉमन थे। रियल एनालिसिस, ग्रुप थ्योरी, लीनियर अलजेब्रा, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये पांच जो मेन टॉपिक है दोनों में कॉमन है। जैम की तैयारी की थी तो ये इनसे क्वेश्चन बहुत इजी लग रहे थे, मतलब मॉडरेट से भी कम लग रहे थे। अच्छा, और जिन्होंने जैम की तैयारी कर ली उनके लिए सीयूईटी पीजी के क्वेश्चन तो एक तरीके से वो उड़ती हुई चिड़िया, बस पकड़ लो, है ना, बस बस पकड़ लो, है ना, आसान थे ना क्वेश्चन? हाँ यस सर, उनके क्वेश्चन बहुत इजी थे, बाकी जो अच्छा काम करे थे उनमें इस समय देने पड़ गए थे, जैसे रिंग कैलकुलस। यस सर, अच्छा, मेरा भी ये आपसे एक छोटा सा ये डाउट है, ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ। आपने आईआईटी जैम का प्रिपरेशन करी, तो आपका आईआईटी जैम क्वालिफाई हुआ? अगर हुआ तो क्या रैंक आपकी आई थी आईटी जैम में? आईटी जब भी क्वालिफाई हुआ तो उसमें मेरी 143 रैंक आई है, AIR 243। अच्छा, आपको आईटी जैम भी क्वालिफाइड है, इसका मतलब आप एनआईटी काउंसलिंग में भी भाग लेंगे और आईटी जैम की भी काउंसलिंग में भी भाग लेंगे। ये सर आईटी में लूंगा और आईटी मिल रही है, अच्छा, आईटी न्यू आईटी मिल रही है। यस न्यू आईटी मिल जाएगी, सर, न्यू आईटी मिल रही है। तो सीयूटी पीजी के लिए भी एक बार ट्राई करना। बहुत सी ऐसी देश में यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी होगी, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय मतलब BHU, वो भी आप लोगों की कई आईआईटी से बहुत अच्छी है। और मेरे दो तीन फ्रेंड्स भी हैं जो BHU में पढ़ रहे थे, उनका कुछ ऐसा है कि ना कि सेमेस्टर हमारे 4 है, उसके अंदर हमारे पास 5 टॉपिक है, एक टॉपिक उनका आईआईटी से इंटीग्रेट है, सेमेस्टर का एक टॉपिक जो है वो आईआईटी से इंटीग्रेट। मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया था कि हाँ सर, हमारा एक टॉपिक होता है उसको आईआईटी दिल्ली से उन्होंने इंटीग्रेट करा हुआ, आईआईटी बॉम्बे से उन्होंने इंटीग्रेट करा हुआ, तो काफी अच्छा रहता है अगर आप BHU को भी चुनते हैं, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी को भी चुनते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी को भी चुनते हैं, या सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान को भी चुनते हैं। तो ये कुछ ऐसी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं जो सीयूईटी पीजी में आपके MSc मैथमेटिक्स को, अब आप वहां पर एडमिशन यहाँ पर ले सकते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपको सीयूईटी पीजी की प्रिपरेशन के लिए हमारे PW IIT जैम चैनल से कितनी हेल्प मिली और कितना आपने उसे मैक्सिमम आउटपुट यहाँ पर गेन किया? सर एक्चुअली मेरे सारे टॉपिक्स वहीं से क्लियर हुए थे, मैंने वहां पे स्टार्टिंग से ही बैच ज्वाइन किया हुआ था, तो सारे टॉपिक वहीं से क्लियर होते हैं सर, कंसेप्ट वहीं से क्लियर हुए, बाकी मैंने क्वेश्चन भी अच्छा प्रैक्टिस किए थे, पीवाई के वगैरह लगाए। अच्छा, मेरा आपसे भी ये क्वेश्चन है कि आपके कॉन्सेप्ट तो क्लियर थे और उसके बाद आपने PYQ भी यहाँ पर किया था, PYQ का आपकी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल रहा फॉर द क्रैकिंग दीज एग्जामिनेशंस? सर मेन तो यही है कि सर सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया सर। एक्चुअली क्या होता है कि हम बच्चे जो होते हैं कंसेप्ट क्लियर नहीं करते, डायरेक्ट क्वेश्चन पे स्टार्ट आ जाते हैं, लेकिन जो कंसेप्ट क्लियर था मेरा वहीं से हुआ था, वहीं से बेसिक वर्क प्रूफ भी देखे थे, हिंट लेके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, सोल्यूशन देके कर लेते हैं, लेकिन जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होता तो फिर क्वेश्चन करने में मजा नहीं आता, तो क्वेश्चन कंसेप्ट क्लियर था तो क्वेश्चन अच्छे से बन लेते सर। क्वेश्चन आपके PYQ क्वेश्चन आराम से बन रहे थे, है ना? यस सर, PYQ आराम से बन लेते हैं। और हमारे DPPs में जो क्वेश्चन आपको मिलते थे, क्या वो DPPs के क्वेश्चन आपको टफ लगते थे और किस अकॉर्डिंगली आप उसको सॉल्व करा करते थे फॉर IIT जैम एग्जामिनेशन प्रिपरेशन और CUET PG के लिए भी? सर डीपीपी तो मैं कंटिन्यूअस नहीं लगाता था, इकट्ठे कर लेता था, एक टॉपिक खत्म हो गया फिर मैं डीपीपी उठाता था वहां पे करता था। कहने का मतलब है कि अगर आप पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे पढ़ रहे हैं, सपोज उसके टॉपिक के 3 लेक्चर हो जाते हैं, तो आप 3 लेक्चर के बाद उसकी 3 लेक्चर की DPPs को इकट्ठे सॉल्व करते थे ताकि आपका कॉन्सेप्ट और हाँ बिल्ड यस हो सर, जाए। डीपीपी इकट्ठे, यस सर डीपीपी हमेशा इकट्ठे मैंने सॉल्व किए हैं। तो ये मेरे स्टूडेंट्स के लिए, जो नए स्टूडेंट मुझे यहाँ पर देख रहे हैं, उनके लिए बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। साथ साथ DPPs को करना अच्छी बात है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट के बाद अगर आप DPP करेंगे ना, तो DPP एज असाइनमेंट हो जाएगी वो। और जहां तक मैं अपने स्टूडेंट्स को जानता हूँ, DPP को एज अ क्विज ज्वाइन करते होंगे ताकि उसका जो सॉल्यूशन है, उसका आंसर है, इन्हें ना दिख पाए। हमारे अभी साकार 25 बैच के स्टूडेंट है ना, वो क्विज से करते हैं, कहते हैं क्विज करने में मजा आता है, इसको ऑप्शन को टिक किया, सबमिट किया और उसके बाद पता चला कि क्वेश्चन सही था कि नहीं था, एग्जाम को फीलिंग आती थी, है ना? कभी कभी क्विज पे करता था, नहीं तो मोस्टली पीडीएफ ही सॉल्व करता था डीपीपी के। अच्छा, DPPs को एज अ PDF से ही सॉल्व करते थे, मतलब कभी कभी आप क्विज से भी
ज्वाइन कर लिया करते थे। आपकी जर्नी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं आपको थोड़ा सा होम टाउन के बारे में जानना चाहता हूँ, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपकी 12th में आपने कौन से स्कूल से करी, और कुछ अपने बारे में और बताइए ना। सर मेरा बर्थ प्लेस यूके गोरखपुर है, लेकिन मैं रहता दिल्ली में हूँ। मैं 2016 से फैमिली के साथ दिल्ली में गया था, यहीं से स्कूलिंग की थी सर। तो अच्छा 10th क्लास गवर्नमेंट स्कूल से ही है, 12th क्लास भी गवर्नमेंट स्कूल से ही है, प्रतिभा विद्यालय, राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय सर स्कूल का दिल्ली। आप रहने वाले, जन्म तो आपका अदर स्टेट से है ना, और लेकिन आप रहते अभी दिल्ली में ही हैं, और दिल्ली में ही अपनी आपने अपनी बीएससी, आपने अपनी स्कूलिंग भी दिल्ली से ही करी है, और इसी तरीके से आपका जो कॉन्सेप्ट था वो बनता चला गया, और आपने फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही आपने अपनी बीएससी को परस्यू किया, और आप अब आईआईटी जैम को भी क्वालिफाई कर चुके हैं, सीयूईटी पीजी को भी क्वालिफाई कर चुके हैं। तो मैं अब आपसे यही एक सजेशन दूंगा कि इन दोनों सिलेबस को अपने माइंड में, अपनी लाइफ में बरकरार रखिएगा, क्योंकि आगे चल के आपको सीएसआईआर नेट का भी एग्जाम देना है, सर और ट्रस्ट में जितना आपने अभी तक पढ़ लिया है आईआईटी जैम के 6 टॉपिक प्लस सीयूईटी पीजी के और 3-4 टॉपिक मिलाकर सीयूईटी पीजी के 9-10 टॉपिक हो जाते हैं, बस उन्हीं 9-10 टॉपिक को थोड़ा सा अपग्रेड और करना है और आप पहुंच जाएंगे सीएसआईआर नेट के लेवल पे। तो अब बस जैसी आपकी एडमिशन हो जाएगी अपनी एमएससी में, तो अब आप लग जाइएगा सीएसआईआर नेट को क्वालिफाई करने के लिए। एक बार सीएसआईआर नेट और जेआरएफ हो गया तो उसके बाद आपको जो है यहाँ पर और रास्ते खुल जाएंगे कि आपको अब पीएचडी की तरफ जाना है, या असिस्टेंट प्रोफेसरशिप लेकर एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन करना है, या कोई और फील्ड पे काम करना है, वो सारे फील्ड आपके लिए यहाँ पर खुल जाएंगे। मेरी शुभकामना आपके साथ यही है, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप साकार 2.0 बैच के स्टूडेंट हैं, और साकार 2.0 बैच में तो हम सभी टीचर्स ने आपको पढ़ाया है, चाहे वो संजीव सर हो, चाहे संजय सर हो, केशव सर हो, चाहे नीतू मैम हो, हम चारों ने ही आपको साकार बैच में पढ़ाया। सर ये सर वहां से आपसे अल्जेब्रा पढ़ी थी लीनियर अल्जेब्रा, सर। लीनियर अल्जेब्रा राइट ना? यस हाँ, यस बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और पहले हम लोग साकार इंजीनियरिंग 1.0 बैच में एज अ रिकॉर्डेड वीडियो में मिल रहे थे, और उसके बाद धीरे धीरे करके हम उसमें भी लाइव आने लग गए, तो साकार 2.0 बैच में भी लाइव आए थे। आपने लाइव क्लासेस ली थी साकार 1 में? सर लाइव तो नहीं लेता था, रिकॉर्डेड ही लेता था, क्योंकि सर रिकॉर्डेड पे ऑप्शन होता था 1.5 या 1.75 की स्पीड पे। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट लाइव क्लास नहीं ले पाता और वो रिकॉर्डेड देखता है, तो वो रिकॉर्डेड उसके लिए उतनी ही मैक्सिमम आउटपुट निकालती है जितनी लाइव निकालती है, या कुछ फर्क है? मैं आपसे वो डिफरेंस पूछना चाहता हूँ। सर मुझे तो लगता है कि रिकॉर्डेड वीडियो ही ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि सर हम उसे कभी भी अपने टाइम पे देख सकते हैं, उस पर स्पीड का भी ऑप्शन होता है। क्योंकि कभी कभी होता है कि कुछ बच्चों के डाउट होते हैं तो टीचर होते हैं उसमें समझाते हैं, जो मैं पहले से क्लियर हो गया होता है, तो रिकॉर्डेड हम उसको स्पीड पे करके स्किप करके भी आगे दे सकते हैं। तो रिकॉर्डेड सर वीडियो मेरे लिए ज्यादा अच्छा है। हाँ अगर आपको कोई डाउट है तो लाइव बैच ज्वाइन करके डाउट क्लियर कर सकते हो, अगर डाउट नहीं है जी तो रिकॉर्डेड वीडियो देखो। जी जी कॉन्सेप्ट अगर आपके थोड़े से क्लियर हैं तो आप एज ए उसको रिकॉर्डेड बैच के लिए भी आप उसमें आगे प्रोसीड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको साथ साथ डाउट भी क्लियर करने हैं तो लाइव आर द बेस्ट ऑप्शन। तो और लाइव में जी 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 बहुत बढ़िया लाइव में आपसे। आप लोग डाउट क्लियर कर हाँ, लाइव में हम लोग डाउट भी पूछते हैं, लाइव में हम लोग पोल भी कंडक्ट करवाते हैं, और देंगे। लाइव में हम लोग बहुत सारी चिट चैट बातें भी करते हैं, कॉन्सेप्ट भी समझते हैं, हंसते हुए लाइव क्लास को भी लेते हैं, और उसी को अगर रिकॉर्डेड में देखना हो तो बस ठीक है, स्पीड बढ़ाकर देख सकते हो राइट ना। आपके चेहरे की स्माइल बता रही है कि आप कितने खुश हैं हमारी पूरी मैथमेटिकल साइंसेस की टीम से मिलकर, और आईआईटी जैम को भी क्वालिफाई करके और सीयूईटी पीजी को भी क्वालिफाई करके। आपका चेहरे की रौनक बता रही है कि अब बस हमने बस सीएसआर नेट की प्रिपरेशन करनी है और अपनी लाइफ को सेट करना है। जी, यस सर बहुत अच्छा लगा आपके साथ यहाँ पर मुझे बातचीत करके, हमारी पूरी मैथमेटिकल साइंसेस की टीम आपके साथ है, आपको बहुत सारी बेस्ट विशेस यहाँ पर दे रही है, और ऐसे ही अपनी लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्स को क्वालिफाई करते रहेगा और कनेक्टेड रहेगा हमारे साथ, ताकि हम आपको अपने स्टूडेंट के साथ मिलवा पाए और आपको आपकी जर्नी को हमारे नए स्टूडेंट के साथ भी यहाँ पर शेयर करवा पाए कि हाँ, कि इस तरीके से भी आप लोग अपनी प्रिपरेशन करेंगे तो आप लोग एक साथ ही आईटी जैम और सीयूटी पीजी का एग्जाम निकाल सकते हैं, और उसके 6 महीने के, यार 1 साल के बाद नेक्स्ट अटेम्प्ट में आप सीएसआर नेट को भी क्वालिफाई करने का दम रखते हैं। इसी के साथ आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत सारी शुभकामनाएं आपकी इस तरीके से एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। हमारी पूरी पीडब्ल्यू की टीम की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। अब मिलते हैं आपके साथ अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट किसी और स्टूडेंट के साथ हम यहाँ पर होंगे, और आप हमारे सक्सेसफुल स्टूडेंट हैं, हमारे शाइनिंग स्टार्स हैं,
उनकी सक्सेस स्टोरी आप सभी के साथ यहाँ पर हम लोग प्रोवाइड करते रहेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहेगा एंड ऑल द वेरी बेस्ट। एंड थैंक यू आदित्य हमारे साथ यहाँ पर ज्वाइन थैंक यू करने सर, के लिए थैंक और अपना वंडरफुल टाइम, अपना इनक्रेडिबल टाइम हमारे साथ यहाँ पर शेयर करने के लिए। और इसी के साथ थैंक यू सर, यू एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड लव यू ऑल।